कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफएक्स करियर्स को और करें अपने IMUCET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। इंटरव्यू का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लगा था मुझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शिप नेविगेशन एंड कार नेविगेशन। या सो मेन डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। कार में ब्रेक्स होता है, ठीक है? मैं सडनली 100 पे जा रहा हूँ, मैं ब्रेक मारूंगा, मेरा 10 मीटर में 15 मीटर में गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है? यू नो एनी टाइम मैं टर्न कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा स्टीयरिंग इधर राइट कर रहा हूँ, अभी राइट नाउ आई एम ड्राइविंग अ कार, सो द कार विल एग्जैक्टली टर्न, ठीक है? अब यहाँ बारिश हो रही है या वेदर ख़राब है या हवा है, कार के मूवमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? कार फिर भी उतनी स्टीयरिंग में उतना ही रुक करने वाली है। मे बी रोड गीला होगा, टायर थोड़े हो गए तो ब्रेक थोड़ा कम लगेगा, बस। अदरवाइज कार वैसे ही मनूवर करने वाली है, कार फुली प्रिसाइसली एक ही तरीके से मनूवर हो जाएगी। और डजेंट मैटर अगर मैं कार चलाऊं या शोभित चलाएं, प्रिटी मच हम लोग कार वैसे ही चलाएंगे, कुछ खास फर्क पड़ने नहीं वाला उसमें। बट शिप वेदर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि शिप पानी में फ्लोट कर रहा है, शिप के पास ब्रेक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने डिसाइड किया अभी जगह पे खड़ा कर दूं, वो नहीं कर सकता। अगर शोभित शिप का नेविगेशन करेंगे तो वो अलग करेंगे, मैं करूंगा तो अलग करूंगा, जितने कैप्टन्स करेंगे, जितने ऑफिसर्स करेंगे, सब अलग करेंगे। ज़रूरी नहीं कि स्टारबोर्ड 10 ही दे के एक पर्टिकुलर अगर मेरे को 10 डिग्री कोर्स स्टारबोर्ड करना है तो स्टारबोर्ड 10 देकर ही मैं कर सकता हूँ। मैं स्टारबोर्ड 20 दे के काउंटर हेल्म दे के भी कर सकता हूँ, या मैं धीरे से स्टारबोर्ड 5 दे के धीरे धीरे टर्न कर सकता हूँ। तो ये क्या है कि ड्राइविंग दिस इज अ स्किल, ठीक है? ड्राइविंग अ कार इज अ स्किल, बट नेविगेटिंग अ शिप इज नॉट अ स्किल, इट्स एन आर्ट। जैसे कि एक आर्टिस्ट होता है, उसको आप कैनवस दे दो, कुछ बोल दो टॉपिक की ये बना दो, सारे आर्टिस्ट अलग अलग बनाएंगे, सेम नहीं बनाएंगे। तो शिप में भी नेविगेशन सारे ऑफिसर अलग अलग करेंगे, सेम नहीं करेंगे। सो ये सब मेन फर्क हो गया। और जैसे कार में मुझे इतना ज़्यादा अहेड सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे बस आगे का 15-20 मीटर डिपेंडिंग ऑन माय स्पीड, अगर मैं 100 पे जा रहा हूँ तो उसके थोड़ा और ज़्यादा आगे का सोचूंगा, एंड दैट्स इट। मैं लास्ट मिनट पे कोई भी एक्शन ले सकता हूँ, सडनली गाड़ी को रोक सकता हूँ, एक्सेलरेट लेके सडनली स्पीड बढ़ा सकता हूँ। शिप में नहीं होता, शिप में मैं अगर अभी इंजन दूंगा तो शिप का स्पीड बढ़ते बढ़ते भी टाइम लगेगा, 5 मिनट लग जाएगा उसको स्पीड बढ़ने को। अगर मैं रोकूंगा तो रुकते रुकते रुकेगा वो, 1 माइल 1.5 माइल चला जाएगा वो। और रोकने के लिए आप लोग प्रोसेस क्या यूज़ करते हो? देखिए, रोकने के लिए अगर इमरजेंसी रोकना नहीं है तो जैसे हमारा जहाज फुल हेड पे जा रहा है, मतलब रिवोल्यूशन सारे फुल हो रहे हैं, तो उसके बाद हम उसको फुल से हाफ हेड पे लाएंगे। हमारे 4 मूवमेंट होते हैं बेसिकली, फुल हेड, हाफ हेड, स्लो हेड, डेड स्लो हेड एंड स्टॉप। तो ये बेसिकली इंजिन है, 25%, 50%, 75%, ऐसा समझ लो इसको, इंजिन के रिवोल्यूशन है फुल में से। तो जहाज को हम ब्रेक नहीं लगाएंगे, हम फुल हेड से पहले इंजन कम करेंगे, कम करते जाएंगे, क्योंकि अगर मैं सडनली फुल हेड से सीधा स्टॉप भी कर दूं तो शिप का लोडेड, अगर मान लो तो लोडेड भी है या बैलेंस भी, तो इनर्शिया होता है, शिप फिर भी आगे जाता रहेगा। प्रोपेलर फिर भी टर्न करता रहेगा, स्टॉप पे भी वो टर्न करता रहेगा, बिकॉज फिर भी आई एम कटिंग थ्रू द वाटर एंड वाटर इज पासिंग थ्रू द प्रोपेलर एंड प्रोपेलर विल कीप टर्निंग। तो बेसिकली हमें बहुत अहेड सोचना पड़ता है, इसीलिए हमारे पास रेडार रहता है। नॉर्मली 12 माइल के रेंज पे एक रहता है, 6 माइल के रेंज पे रहता है। और अगर हम कोई टारगेट देखते हैं, जैसे कोई ट्रैफिक या कोई और शिप आ रहा है, तो वी प्रिफर टू टेक एक्शन एट 6 माइल्स, 8 माइल्स, क्योंकि कार नहीं है कि यहाँ तक आ गया शिप, बस दिखने लगा चलो अब मैंने घुमा दिया, तो अहेड सोचना पड़ता है, नहीं तो इट विल बी टू लेट। सो आई होप ये वाला आंसर जो है ये सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस नेविगेशन में क्या, क्योंकि इस बार मेरे स्टूडेंट से पूछा गया था एंड दे आर प्रीटी कंफ्यूज, इवन आई वाज कंफ्यूज कि यार ये मैंने तो कभी शिप चलाया है नहीं, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार पूछूंगा जरूर आपसे।